हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डायनामाइक माइक के लिए प्री एम्पलीफायर। तो ये जो प्री एम्पलीफायर इसके पहले के वीडियो में हमने बनाया था, तो इसमें एक छोटा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये लगाने पर कुछ एम्पलीफायर में हमिंग आ रही है और ठीक से क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। तो वॉल्यूम मिनिमम करने पर भी इसमें हमिंग आ रही है। तो यही प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने दूसरा डेटा शीट बनाया है। अगर आप इस तरीके से सर्किट बनाए हैं तो इसका जो है पावर सेक्शन का इतना सा हिस्सा बना के इसे लगा ले सकते हैं। अगर ये आप नहीं बनाए हैं तो ये फिर से एक नया बना ले सकते हैं। तो कंपोनेंट सेम है, कोई अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस। तो ये दो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर बढ़ चुका है यहाँ पर लगाने के लिए। तो देखिए इसे कैसे बनाना है, तो एकदम ईजी तरीके से बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लगाने के लिए, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ BC548। तो ये इस तरीके से ट्रांजिस्टर लग चुका है। अब इसमें हम लगाएंगे 1 मेगा का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 1 मेगा का लग चुका है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जो है पावर सेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कैपेसिटर। तो जैसे कि यहाँ पे जो है एक ग्राउंड है यहाँ पे, तो हमारा सभी का एक ही ग्राउंड यहाँ पे जो है एमिटर रहेगा। तो इस पे ये कैपेसिटर लगा दूंगा 220 UF का। तो हमारा नेगेटिव कॉमन यहीं से जाने वाला है, ठीक है। अभी इसमें हम 10K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ये जो 10K का रेजिस्टेंस यहाँ से इस पे जाएगा, कलेक्टर पे जाएगा 10K का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी हम इसमें लगाएंगे 2.2K का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कैपेसिटर पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा पावर आएगा। ये इस तरीके से हो चुका है। अभी हम इसमें लगाना है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का नेगेटिव यहाँ पे है, तो ये रहेगा 1 मेगा की ओर कैपेसिटर रहेगा यहाँ पे। तो ये हमारा एम्पलीफायर में लगने वाला है, ठीक है। अभी इसमें हम इन देंगे, तो ये हमारा इन का कैपेसिटर है। तो ये बेस पे हमारा जो है कैपेसिटर लग चुका है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है डेटा शीट बन चुका है। अब इसकी वायरिंग बाकी है। तो देखिए यहाँ पे जो है एकदम सिंपल है, अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो PCB में बन जाएगा। और ये जो है मैंने ऐसे ही बनाया है, ठीक है, जैसा मिला वैसा लगा के मैंने बनाया है। और PCB में आप इस तरीके से बना ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसमें माइक लगाएंगे। माइक के लिए यहाँ पे जो है कैपेसिटर को लगाएंगे। और हमारा जो नेगेटिव एक कॉमन रहने वाला है यहीं पर, जो एमिटर रहेगा। ठीक है, अभी हमारा जो है पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे वायर लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पे वायर ले लेता हूँ, वॉलेट कलर का वायर लगाऊंगा मैं यहाँ पे नेगेटिव में, और ये रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पावर सप्लाई रहने वाला है। और ये रहने वाला है माइक के लिए, ठीक है। तो इतना सा सर्किट डायग्राम है, इसे आप किसी भी एम्पलीफायर में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है पावर के वायर यहाँ पे लगा दिया है। तो इसे मैं यहाँ पे पेपर रख देता हूँ।
अभी मैं यहाँ पे ये जो हमने बनाया है सर्किट यहाँ पे रख देता हूँ। माइक का जो आउट आने वाला है इसे हम ऑक्स पे लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सर्किट लगाया है, तो इसका जो आउट है हमने एम्पलीफायर के ऑक्स पर लगाया है। तो इसे कैसे लगाना है इसका वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसका जो है लिंक ऐड बटन पे भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो देखिए मैं चेक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पावर ऑन करता हूँ, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ डायनामिक माइक, ठीक है। तो फिर पावर ऑन लॉन्ग इन माउड, तो इसे मैं पावर ऑन करता हूँ। हेलो 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 1 2 3, हेलो 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 1 2 3, हेलो 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 1 2 3, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो हेलो 1 2 3, हेलो हेलो 1 2 3। तो इस तरीके से आप बना के लगा सकते हैं किसी भी एम्पलीफायर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।